सभी को मेरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो सर्वाइकल पेन के लिए है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, जो नेक में स्टिफनेस हो जाती है, आप सिर को दाएं बाएं भी नहीं कर सकते हो, इतना दर्द हो जाता है। तो आज हम एक्यूप्रेशर के जरिए इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव एक पॉइंट देखेंगे, जिसको आप करेंगे तो पहले दिन से ही आपको इसमें राहत मिलने लगेगी। सबसे पहले हम करेंगे, ये एक्यूप्रेशर की रिंग है और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, ये वाला पॉइंट आता है हमारे अंगूठे में, इस वाले भाग में। जब आप अंगूठे को इस प्रकार से मोड़ेंगे तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये हमारे सर्वाइकल का रीजन हो जाता है, नेक का हो जाता है ये। मैं आपको यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने कलर लगाया है ये हमारी कलर थेरेपी हो जाती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। अगर आप खाली मात्र यहाँ पे काला कलर भी लगाते हैं तो आपके पेन में काफ़ी सुधार होने लग जाएगा। इसको आप दिन के टाइम लगाइए, जो कलर होता है वो दिन के टाइम बहुत ही इफ़ेक्टिव परिणाम लाता है। कम से कम 4 से 6 घंटे रोजाना लगाइए जब तक आपको इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये मैं आपको मार्क करके दिखाई हूँ, ये एरिया हमारे C1 से लेके C7 तक है। जैसे मैंने ऊपर लगाया ये C1 हो गया, ऐसे आप यहाँ पे C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये देखिए, मैंने यहाँ पे 7 लाइन खींची है। अगर आप कोई टेस्ट करा रहे हो और अगर टेस्ट में आया है C3, C4 में प्रॉब्लम है या C1 से लेके C5 तक में है, जिसमें भी है तो आप ये पर्टिकुलर भी इसको आप पॉइंट को मसाज कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल सा एक काम कीजिए, अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो सबसे पहले एक्यूप्रेशर की रिंग लेंगे और ये वाले एरिया में अच्छे से हम यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए स्टिमुलेट करेंगे। जैसे जैसे आप इसको घुमाने लगेंगे आपको हाथों हाथ इसमें आराम मिलने लगेगा। जो गला आपका ऐसे दाएं बाएं भी नहीं हो रहा था उसमें आप देखेंगे हल्का हल्का आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक्यूप्रेशर की रिंग को आप 2 से 3 बार इस अंगूठे के इस एरिया में दोनों साइड में करना है और इसको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। आप रिंग को अपने पर्स में, अपने ड्रॉज में, ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर की रिंग को आपको यहाँ पे चलाना है और ये कलर थेरेपी मैंने बताई है, यहाँ पे आप इसको लगा के रखेंगे। दूसरा है जो ये एक्यूप्रेशर की इस प्रकार से जिमनी आती है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इस एरिया में हम यहाँ पे मसाज करेंगे। आप जैसे जैसे यहाँ घुमाएंगे आपको हाथों हाथ आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं क्लियर, ऐसे ही सेम आपको दूसरे हाथ में करना है। आराम से बैठ के आप इसको करिए, आपको आराम मिलने लग जाएगा। अगर आपके पास में ये जिमी नहीं, अगर आपके पास में एक्यूप्रेशर की टूल नहीं है, जिमी नहीं है, तो ये पेन जो होती है सिंपल सी अपने घर में रखी रहती है, आप इससे इसको मसाज कीजिए। आप जैसे यहाँ पे दबाएंगे आपके नेक रीजन में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सेम ये हम इस हैंड में भी करेंगे, इसको कम से कम 1 मिनट के लिए आप स्टिमुलेट करें। अब जैसे ये सर्वाइकल का पेन है इसके लिए आप ये वाला भाग किए हैं, इसमें हम करेंगे मैग्नेट थेरेपी। तो यहाँ पे आप 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। मैं पहले आपको सीड लगा के दिखा देती हूँ। तो ये सीड हम यहाँ पे बनाएंगे इस प्रकार से, ये देख पा रहे हैं। तो ये सर्वाइकल पेन के लिए सबसे पहले आप एक्यूप्रेशर की रिंग चलाएंगे, उसके बाद में इस जिमी से 2 मिनट के लिए मसाज करेंगे और ये जो दोनों चीज़ मैंने बताई है आपके ये दोनों ही थंब में होगी। इसके बाद हम यहाँ करेंगे स्टेट थेरेपी। अगर आप इसको अंगूठे की सहायता से भी दबा सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे कुछ भी सामान नहीं है आपके पास में, आप इसको एनी टाइम एनी वेयर कर सकते हैं। अच्छे से यहाँ पे डीप मसाज कीजिए, अप एंड डाउन सेम दोनों ही जगह में। यहाँ पे हम करेंगे सीट थेरेपी। देखिए सीट थेरेपी के लिए मैंने यहाँ पे एक मेथी की पट्टी बनाई है, ये डॉक्टर टेप है, ये आपको मेडिकल शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा।
और यहाँ पे हमने ये मेथी के दाने जिसे फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं हर किचन में उपलब्ध होती है। और देखिए मैं वो कैसे लगा रही हूँ, आप ध्यान से देखें और इस जगह पे आप इसको पैक कर लें। तो ये देखिए ये हमारे इस वाली जगह पे ये मेथी की सीड हमने लगा ली है। इसको आप रोजाना 8 घंटे लगाएं, हर 1 घंटे में इसको दबाते रहें। आप देखेंगे इतना ही भर करने से जो आपको सर्वाइकल में पेन था, जो नेक आपकी स्टिफनेस हो गई थी, उसमें आपको काफ़ी आराम मिलने लग जाएगा। सेम ये दोनों ही अंगूठे पे आप इसको लगाएंगे। एक मैं और आपको इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी, बहुत ही अमेजिंग है ये। आपको करना है आपकी राइट रिस्ट में, सीधे हाथ की कलाई में करना है। सीधे हाथ की कलाई में आपको किस जगह पे करना है, ये जो बैक साइड है हमारा, एक ये जो फ्रंट साइड हो गया, ये बैक साइड में। बैक साइड में जैसे ही आप कलाई को इस प्रकार से मोड़ेंगे तो इसी लाइन में आएगा। तो मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक ये आएगा मिडिल फिंगर के साइड में और एक आ जाएगा उसी के किनारे में। और अगर आपको ये ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल सी एक चीज करें, बैक साइड पूरी मसाज कर लें। जो ये इस प्रकार मोड़ेंगे कलाई को तो जो इसका रिस्ट लाइन का ये वाला क्रीज है यहाँ पे आप मसाज करेंगे। कोई भी ऑयल या क्रीम लीजिए और यहाँ पे अच्छे से मसाज कीजिए। ये सर्वाइकल रीजन का एरिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे मैग्नेट थेरेपी। पहले आप मसाज कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, या तो बैक साइड पूरी रिस्ट में कर लीजिए। और उसके बाद हम ये डॉक्टर टेप में 2 मैग्नेट लगाएंगे, क्लस्टर मैग्नेट, जो देखिए इस प्रकार से होता है। एक साइड सिल्वर साइड होगा, दूसरा साइड हमारा ब्लैक साइड होगा। तो स्किन पे जो टच होगा मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। थोड़ा सा डिस्टेंस में इसको हम लगाएंगे इस प्रकार से, और ये हम अपने रिस्ट में जहाँ पे पॉइंट था हमारा मार्क किया था हमने, ये देखिए ये लग गया हमारा 2 पॉइंट, ये सर्वाइकल का पॉइंट है। तो यहाँ पे एक आपको मेथी की पट्टी करनी है, यहाँ पे आपको मैग्नेट लगाना है। तो मेथी की पट्टी जब आप लगाएंगे, हर दिन चेंज करेंगे इसको, हर दिन मेथी की पट्टी चेंज होगी। और जो ये क्लस्टर मैग्नेट है इसको आप हमेशा यही वाला यूज़ कर सकते हैं। दोनों को ही, मेथी हो चाहे मैग्नेट हो, आपको 8 घंटे तो लगाना ही है और इसको हर 1 घंटे में प्रेस करना है। तो आप देखेंगे जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी कैसे छूमंतर होती है।